हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बेल्ट्रॉन स्पेशल टीसीएस क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे पहले कुछ बता देता हूँ, कंट्रोल सी होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए और कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए। अब क्वेश्चन है आपके लिए कंट्रोल जेड फॉर, आपको कमेंट में बताना है कंट्रोल जेड किसके लिए होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस स्केप किसके लिए होता है, या फिर बोलिए तो कंट्रोल प्लस स्केप मैं बता देता हूं। कंट्रोल प्लस जेड आपको कमेंट में बताना है कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस स्केप होता है स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। अगर स्टार्ट मेनू को आपको देखना है तो कंट्रोल प्लस स्केप प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन आप कमेंट में लिख के बताइए कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए होता है। अब टीसीएस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच रजिस्टर कैन इंटरसेक्ट विथ सेकेंडरी मेमोरी, वो कौन सा रजिस्टर है जो इंटरेक्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी के साथ, तो उसको कहते हैं MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जो कि इंटरेक्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी के साथ। दूसरा क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप यूज एज द स्टोरेज स्टोर डाटा इन रजिस्टर, कौन सा फ्लिप फ्लॉप स्टोर डाटा रजिस्टर के लिए स्टोर करने के लिए होता है, वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टोर डाटा का रजिस्टर में, तो उसको कहते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डी फ्लिप फ्लॉप, टीसीएस का क्वेश्चन है ये। आईएसपी स्टैंड फॉर होता है इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेसर, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। ISP stand for Instruction Set Processor. Question number 4th. The decoded instrument is stored in, जो decoded instruction होता है, sorry, the decoded instruction is stored in, decoded instruction are stored in instruction register, यानी कि IR. C option is the correct, instruction register. Decoded instruction कहाँ पे stored होता है, instruction registered में store होता है। डिकोडेड इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर होता है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड में स्टोर होता है। कुछ आपको शॉर्टकट कीड और मैं बता देता हूं। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस ए किस लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस ए के लिए होता है कॉपी ऑल, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए को यूज किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं पूरी फाइल को चयनित करने के लिए, पूरे फाइल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का इस्तेमाल किया जाता है। अल्टर प्लस एंटर, अल्टर ALT, अल्टर प्लस एंटर ENTER, अल्टर प्लस एंटर यूज किया जाता है कहां पे, देखो चयनित वस्तुओं की प्रॉपर्टीज देखने के लिए। यदि जो चीज आपने सेलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टीज देखना है तो अल्टर प्लस एंटर की प्रेस करना होगा। अब शिफ्ट प्लस F10, ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, अभी के नए क्वेश्चन है। शिफ्ट प्लस F10 किस लिए होता है, जो आपने सेलेक्ट किया है यानी कि चयनित वस्तुओं का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए, खोलने के लिए, देखने के लिए। शिफ्ट प्लस F10 होता है सेलेक्टेड कंटेंट के शॉर्टकट मेनू को देखने के लिए, ठीक है। और बाकी कंट्रोल जेड अंडू होता है, डिलीट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस राइट एरो होता है कर्सर को अगले शब्द के आरंभ में ले जाने के लिए, और लेफ्ट एरो होता है कि पिछले शब्द के आरंभ में ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस डाउन एरो होता है कर्सर के अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस अप एरो होता है कर्सर के पिछले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए मैंने बता दिया, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए। ओके फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि इंटीग्रल पार्ट है, मॉनिटर भी इंटीग्रल पार्ट है, माउस भी इंटीग्रल, UPS इंटीग्रल पार्ट नहीं है। UPS तो इसका पावर सप्लाई के लिए होता है, जब लाइट चली जाती है तो जो आधे घंटे का बैकअप देता है उसके लिए UPS होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम इज लाइकली टू बी फेच फ्रॉम, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में वो कहां से फेच होता है, वो होता है कैच से, CACH, कैच से। द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इंटू इंफॉर्मेशन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैक्चुअल क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट, जो सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको कहते हैं मदरबोर्ड। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट इज मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड CU यानी कि कंट्रोल यूनिट हैव अ स्पेशल पर्पज, लोकेशंस आर, तो जो लोकेशन होता है उसको रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, रजिस्टर या राइट। ALU एंड कंट्रोल यूनिट हैव द स्पेशल पर्पज लोकेशन आर कॉल्ड रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड द पेरिफेरल, जो कम्युनिकेशन लाइन होता है CPU मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज नोन एज बस। अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन द कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर और बिटवीन द कंप्यूटर, उसको क्या कहते हैं, उसको भी बस ही कहते हैं। ठीक है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें डाटा का ट्रांसफर होता है किसके किसके बीच में, कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर और बिटवीन द कंप्यूटर, वो कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए बात किसकी हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम की हो रही है, इसमें ट्रांसफर क्या हो रहा है, डाटा हो रहा है, किसके किसके बीच में हो रहा है, कंपोनेंट इनसाइड कंप्यूटर एंड बिटवीन कंप्यूटर, किसके किसके बीच में डाटा का ट्रांसफर हो रहा है, कंपोनेंट इनसाइड कंप्यूटर और बिटवीन द कंप्यूटर, उसको कहते हैं बस। विच बस कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सच एज CPU एंड मेमोरी टू द मदरबोर्ड, टू द मदरबोर्ड, विच बस कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट, वो कौन सा बस है जो कि सभी इंटरनल कंपोनेंट, कंप्यूटर के सभी भी इंटरनल कंपोनेंट को कनेक्ट करता है, जैसे कि CPU, मदरबोर्ड, मेमोरी, उसको कहते हैं इंटरनल बस। उसको क्या कहते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, इंटरनल बस। द बस दैट कनेक्ट द कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइस, वो बस जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइस से, उसको कहते हैं एक्सटर्नल बस। वो बस जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइस से, उसको कहते हैं एक्सटर्नल बस। द बस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस को और क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बस इज ऑल्सो रेफर्ड एज एक्सपेंसिव बस। एक्सटर्नल बस इज ऑल्सो रेफर्ड एज एक्सपेंसिव। एक्सटर्नल बस इज ऑल्सो रेफर्ड एज एक्सपेंसिव बस। एक्सटर्नल बस इज ऑल्सो रेफर्ड एज एक्सपेंसिव बस। द कमांड टू एसेस द मेमोरी, द कमांड टू एसेस मेमोरी और इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस इज कैरिड बाई कंट्रोल बस। द कमांड टू एसेस मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कैरिड बाई कंट्रोल बस। इसको कैसे कैरिड करते हैं, कंट्रोल बस से करते हैं। कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल एड्रेस, अ कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल एड्रेस इज नोन एज एड्रेस बस। वो कंप्यूटर बस जो कि यूज किया जाता है एक स्पेसिफाई फिजिकल एड्रेस के लिए, उसको एड्रेस बस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो कंप्यूटर बस जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी स्पेसिफाई फिजिकल एड्रेस के लिए, उसको एड्रेस बस कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वो कंप्यूटर बस जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक स्पेसिफिक फिजिकल एड्रेस के लिए, उसको एड्रेस बस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनादर टू बिटवीन द कंप्यूटर। देखिए ट्रांसफर किसका हो रहा है, डाटा का ट्रांसफर हो रहा है। अ बस दैट ट्रांसफर डाटा, एक बस है जो डाटा का ट्रांसफर करता है एक कंपोनेंट से लेकर अनादर, बिटवीन अनादर कंप्यूटर में, तो उसको क्या कहेंगे, जब भैया डाटा का ट्रांसफर हो रहा है बस में हो रहा है तो उसको डाटा बस कहेंगे। यानी कि अ बस दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनादर आर बिटवीन कंप्यूटर, इसको डाटा बस कहेंगे। यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। RISC स्टैंड फॉर, तो RISC स्टैंड करता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, डैश इज अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डाटा इन कंप्यूटर CPU, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटर। ध्यान दीजिएगा,
बैच इज अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म, वो कौन सा रजिस्टर है जो शॉर्ट टर्म के लिए है? इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल डाटा इन कंप्यूटर सीपीयू, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल कंप्यूटर सीपीयू में है उसको कहते हैं एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ ग्रुप ऑफ कमांड फॉर सीपीयू इन मशीन लैंग्वेज, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहता है कि इंस्ट्रक्शन सेट एक ग्रुप ऑफ कमांड होता है किसके लिए? सीपीयू के लिए इन अ मशीन लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन सेट इज अ ग्रुप ऑफ कमांड फॉर अ सीपीयू इन अ मशीन लैंग्वेज। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, स्टैक गुरुजी सर्च करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक।